वफाकी हुकूमत का एक और इदारा बंदिश की जद में आ गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबिना से राइट साइजिंग इकदाम के तहत तजवीज़ की मंजूरी ली गई। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से। जी ताहिर। जी देखें, एक और इदारा बंदिश की जद में आ गया है क्योंकि वफाकी हुकूमत ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर बंद करने का फैसला किया है और इस हवाले से राइट साइजिंग इकदाम के तहत वफाकी काबीना से तजवीज़ की मंजूरी भी ली जा चुकी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद का टास्क वफाकी वजारत सेहत को दिया गया है और ये फैसला वफाकी हुकूमत का हजम कम करने के पेश नज़र किया गया है। ज़राए के मुताबिक राइट साइजिंग इकदाम के तहत मुख्तलिफ इदारों की बंदिश और निजकारी शामिल है जबकि मुख्तलिफ इदारों और डिविजन्स को जम करने समेत दीगर इकदाम प्लान का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत ने पहले मरहले में 5 वफाकी वजारतों के मुख्तलिफ इदारों को बंद करने का प्लान बनाया है जिसके तहत पहले ही मुतादद इदारों को बंद करने की निशानदेही की जा चुकी है जिसमें वजारत सनअत पैदावार के इदारे कराची टूल्स डाइज एंड मोल्ड सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारे शामिल। जी बहुत शुक्रिया आपका।